से आप नहीं समझते कि जय शाह साहब को खुद पर्सनली विराट कोहली से ये सारे मामलात पे बात कर लेनी चाहिए थी? और सेकेंडली, अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो पाक भारत टाकरे में सोशल मीडिया पर ये चल भी रहा है कि जो प्राइस टिकट होगी वो तो आधी हो जाएगी। लेकिन साफ बात है, मैंने बीच में एक वर्ड यूज कर दिया था जारा के एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि विराट कोहली के बगैर वैसे ही इंडिया की जो लोकल सीरीजेज होती हैं उनका रेवेन्यू चेक करवा लें आप कि विराट जिन सीरीजेज में खेला, चाहे वो डम और नल बिल्कुल ही ऐसी हो, उनमें क्या रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं ब्रॉडकास्टर्स और इसमें क्या कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा फर्क। एक तो क्रिकेट, फिर ओलंपिक्स में विराट की शोहरत को देखते हुए अभी प्रोग्राम खत्म करके मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा, ऊपर ही लिख के आएगा, ये नहीं मैं कोई मजाक कर रहा हूं, ओलंपिक आईओसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से हम क्रिकेट को ले गए। और मैं उस दिन से जानता हूं कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ओलंपिक्स जिसमें ना जाने कितने 100 गेम्स होते हैं उसमें क्रिकेट विराट की पॉपुलैरिटी की वजह से डाली है उन्होंने 2028 में, ये हजम नहीं हो रही, ये गंगोली से नहीं हो रही, ये गंभीर से नहीं हो रही, ये लक्ष्मण से नहीं हो रही, ये सब साजिशी है, ये चालाक लोग है, ये खुलकर सामने नहीं आ रहे, ये पॉलिटिकली विराट को दबा रहे हैं यार।